कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, उन्होंने अपने जीवन में दो बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिससे स्पेस शटल और उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट आग के गोले में तब्दील हो गए। आखिर कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना होने का आभास पहले से हो गया था? आखिर क्यों नासा ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया? सब कुछ जानेंगे, बस बने रहे वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कल्पना चावला की लाइफ के बारे में। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रहने वाली कल्पना अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल में बैचलर की डिग्री पूरी की और उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वह भारत की पहली लड़की थी। 1982 में अपनी मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और अपनी मास्टर डिग्री करते समय उनकी मुलाकात जीन पियर हैरिसन से हुई और साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली और उसके बाद साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और इस साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में अपॉइंट कर लिया और 19 नवंबर 1997 के दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की स्पेस सेंटर से उड़ान भरी जिसमें कल्पना चावला के साथ 6 लोग शामिल थे। इस मिशन को STS-IT-7 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसके बाद 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया और इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए यह मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा और 2 साल तक इस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी थी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था तब अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांस रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया जिससे शरीर में मौजूद खून जमने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद शटल पर कोई कंट्रोल न होने की वजह से और तेजी से वायुमंडलीय गैस के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल आग के गोले में तब्दील हो गई और फिर स्पेस शटल सफेद धुएं की एक लाइन में बदल गई। इस घटना की कुछ सालों बाद भी सही तरह से मालूम ही नहीं हुआ था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यह समझती रही कि कहीं ना कहीं स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट से ही कुछ गलती हुई होगी, लेकिन नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तब ऐसा सच निकल कर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक यह पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह इंसुलेशन फॉर्म है क्या और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। आपको पता ही होगा कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इस रॉकेट में फ्यूल मौजूद होता है जिससे रॉकेट चलता है। दोस्तों, इन स्पेस रॉकेट में 2 तरह के फ्यूल मौजूद होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। यह दोनों ही ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं
इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फॉर्म से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर स्पेस शटल को लगाया जाता है। दोस्तों, यह स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसीलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्सों में लगाया जाता है, जिन्हें व्हाइट टाइल्स कहा जाता है, जो इसको 1200 डिग्री से बचाती है, और उनके निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती है, जो इसको लगभग 1300 डिग्री की हीट से बचाती है। और जहां पर सबसे ज्यादा हीट जनरेट होती है, वह है स्पेस शटल का विंग, जिसे हीट से बचाने के लिए RCC यानी रिंग फोर्स कार्बन कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब यह स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रिंग फोर्स कार्बन कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा, और जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा, तब यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट उसके अंदर चली जाएगी और यह भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक इस दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार फेंक कर देखा। तब पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर बिन हिल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म की टूटने वाली घटना को नासा के MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था, और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने यह बात अपने सभी स्पेस यात्रियों से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान पहुंचा है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यदि यह जानकारी स्पेस में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती, फिर भी वह कुछ नहीं कर पाते। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए यात्री यह सुनकर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन यह सोचकर बिताएं कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने मुश्किल भरा डिसीजन लिया होगा। और कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के गिरने के साथ ही अंतरिक्ष में रुचि रखने वाली कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए सितारों में खो गई। फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके यह योगदान को देखते हुए ये अनाउंस किया कि इसरो में मौसम संबंधित जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेंगे, उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत से चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना के नाम पर मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी रख दिया। दोस्तों, यह थी कल्पना चावला की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।